बड़ा प्यारा है, वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जानवर बुरा कोई भी नहीं हो। पर्शियन कैट है, लंबे बालों वाली, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि जी जो इसका माथा है, जो नाक है, जिसका बड़ा बीच में नाक हो, ये लोग इसे पसंद करते हैं। मेरा नाम है राणा फुरकान अली और ये मेरे दो पेट्स हैं। ये फीमेल है, ये इसका बेबी है, और ये मेल है। इसका नाम फ्रूटी है और इसका नाम जैमी है। और ये ऑलमोस्ट 45 डेज का है और वो 1 ईयर का है जी। इनकी फीड स्पेशल है और ये आती है इंग्लैंड से, और यहाँ से मतलब आपको स्टोर से अवेलेबल हो जाती है इजीली, लाइक अल्फाता एनएम ऐसे स्टोर्स में। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, लोगों का शऊर बढ़ना चाहिए कि पेट्स हमें रखने चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि मतलब जो ऐसे हों वो, बल्कि जो स्ट्रीट कैट्स भी होती हैं उनको हम लोग मतलब छोड़ देते हैं, उन्हें भी हमें पालना चाहिए, उनका भी ख्याल करना चाहिए। और इस तरह के इवेंट्स अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है हमें यहाँ पे बहुत आने का। मेरे पास जो नस्ल है वो पर्शियन है ट्रिपल कोट में, और ये जो है ये डॉल फेस है। इनमें होता है पंच फेस, डॉल फेस होता है, इनमें ये दो कैटेगरीज होती हैं। और इनमें जो है कोट वो ट्रिपल कोट होता है, डबल और सिंगल। जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं वो सिंगल कोटेड होती हैं, और जो मतलब आपकी ये जो हैं पर्शियन, साइमी, ये ट्रिपल और डबल कोट में आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वरदा बिशारत। आज का इवेंट बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। इसमें हमें कैट्स की जितनी भी है ये कॉस्ट सबका पता चलता है, इसमें कौन कौन सी नस्ल है, ठीक है, और बाकी कलर्स वगैरह का भी पता चलता है। और बाकी ये कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मेरे पास जो है ये है पर्शियन कैट, ठीक है, और इसका जो कोट है, इसका कोट है ट्रिपल कोट। की फीड जो है वो मैं इसको सारी इंपोर्टेड फीड देती हूँ, इसे मैं रॉयल कैनन की फीड भी देती हूँ, ये जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज करवाया। इसके अलावा इसमें न्यूट्रा गोल्ड भी देती हूँ, ठीक है। बाकी बॉयल चिकन खाती है ये, बोनलेस। केयर इसकी 24/7 है, एंड ही इज़ जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर, ठीक है। और ये ज़मीन वगैरह पे नहीं सोती हैं, मेरे साथ बेड पे ही सोती हैं। और मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और आई थिंक ये शायद लाहौर में फर्स्ट टाइम हुआ है लाहौर में। मेरा नाम जी बिलाल काजी है। पल पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं और हमने भी एक रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से रॉयल कैनन ने और ये इन लोगों ने, ऑर्गेनाइजर्स ने बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैट शो इन पाकिस्तान, और ये बड़ी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है जिसके ऊपर हम चाहते हैं लोग भी आएँ और हम भी आएँ और पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन होने चाहिए, एंड वी आर थैंकफुल टू यू गाइज जो इसको कवर कर रहे हैं, एंड एवरीबडी हु इज़ कमिंग इन। मेरा जो बिल्ला है ये पर्शियन बिल्ला है जी, और इसकी लीनियज जो है वो पर्शिया से है, इसके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, ठीक है। और ये टैबी कलर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो इसके ऊपर मार्किंग्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से। और अभी इसकी ये 4 महीने है। हर कोई अपने मुताबिक फीड देता है, मैं इसको रॉयल कैनन की ही फीड देता हूँ, और मैं सिर्फ ड्राई फीड पर इसको रखा हुआ है। मैं ज़्यादा होम कुक्ड फूड इसको नहीं देता और पानी देता हूँ। बिकॉज गर्मियों में थोड़ा ये तंग होते हैं, बिकॉज इनकी कोट बहुत बढ़िया होती है, और इसमें भी 3 किस्म के होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। मेरा ये ट्रिपल कोट है। खैर अभी बच्चा है, अभी थोड़ा बड़ा होगा तो इसकी फर और बड़ी हो जाएगी, तो फिर गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। या तो आप इसकी ट्रिमिंग करा देते हैं, या फिर आप कूलर वगैरह घर पर, जहाँ पर आप ख़ुद भी रह रहे हो,
अपने पेट को भी उसी कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं ताकि उसको गर्मी ना लगे। बिल्कुल होने चाहिए जी इस तरह के इवेंट्स, और स्पेशली हम तो खैर बड़े हैं बट बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। बच्चों का नेचर के साथ इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे अगर नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनको नेचर की ब्यूटी का पता चलेगा, रादर देन वीडियो गेम्स एंड आईपैड्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। बच्चों का इंटरेक्शन आपके नेचर के साथ ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। बड़ी बात है इसमें, मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको, तो उसका एक स्टैंडर्ड है, ये ज़रूरी नहीं कि जो खून है खाना वो बना, पहले मान लिया कि बाल रखे बाल रखे बोला रखे बैठ जाओ